खुदी को कर तू बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी इच्छा क्या। बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो आज के मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराकर 12 साल का सूखा वानखेड़े स्टेडियम में खत्म कर दिया। यहां पर साल 2012 में आखिरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबला जीता था, तो आज साल 2024 में उन्होंने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम में मात दे दिया है। यह अपने आप में आईपीएल 2024 का बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, ये ब्रेकिंग आईपीएल ही है। यहां पर हार्दिक पांड्या का ट्रेड होता है, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाता है, उसके अलावा बात करें तो हार्दिक का पतन हो जाता है, हार्दिक टीम पहली टीम बन जाती है, हार्दिक की एमआई जो प्लेऑफ से बाहर हो जाती है। और अब जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आईपीएल 2024 की आ रही है, वो ये कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े की पिच पर 12 साल बाद भैया नेस्त नाबूद कर दिया है, मुंबई इंडियंस को धाराशाही कर दिया है, चारों खाने चित कर दिया है और हार्दिक वाली एमआई को जमकर पीटा है। बात करें यहां पर मुकाबले की, तो 56/5 विकेट गिर चुके थे। देखिए क्या होता है कि टीम में अगर नेवर डाई एटीट्यूड रहे, हर वक्त जीने की इच्छा रहे, तो आप कहीं ना कहीं से जीत का दरवाजा खोज लाते हैं। आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐसा ही किया, जब 56/5 विकेट गिर गए थे तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ही निलबटा सन्नाटा सा पड़ चुका था। वहां पे ऐसा लगा कि अब केकेआर यहां से मुकाबला नहीं जीत पाएगी और वो जो 12 सालों का रिकॉर्ड है वो बरकरार रह जाएगा। लेकिन मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर के इरादे अलग थे, उन्होंने एक बेहतरीन साझदारी करके दिखाई और ये वो मनीष पांडे हैं जो आईपीएल में अभी तक लगातार पिछले 3 संस्करण या 4 संस्करण की बात कर लें तो आउट ऑफ फॉर्म रहे। आज उनका बल्ला बोला है, 42 रन महत्वपूर्ण बनाए हैं, वेंकटेश अय्यर के साथ महत्वपूर्ण साझदारी की है और केकेआर की नैया जो मझधार में फंसी हुई थी उसको पार लगाया। उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो भैया वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेल ने चक्रव्यूह की रचना किया, जाल बुना, अपने 8 ओवरों की स्पेल में मात्र 44 रन खर्चे 4 विकेट निकाले। चक्रवर्ती ने पहले नमनधीर का विकेट निकाला, फिर उसके बाद सुनील नरेल ने हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट निकालकर पावर प्ले के ओवरों में दबाव सा पूरी तरीके से बना दिया, जाल सा बुन दिया गया और पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज उस जाल में फंसते दिखे। वहीं मिचेल स्टार्क की भी हम जितनी तारीफ कर लें उतना कम है, आज भैया जरूरत थी तो मिचेल स्टार्क ने दिखाया कि कम इज द आर, कम इज द मैन, जब जरूरत पड़ेगी तो ये बड़ा खिलाड़ी उभर कर आएगा, अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेगा और वो पैनापन आज उनकी गेंदबाजी में दिखी। 4 विकेट निकाले स्टार्क ने, 1 ओवर में 3 और पहले ओवर में ईशान किशन को जो बोल्ड मारा उसने सबका दिल जीत लिया। तो ये जो गेंदबाज रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आज गेंदबाजी की है। यहां पर ड्यू नहीं आने दिया है, ड्यू आया लेकिन वो प्रभाव नहीं पड़ने दिया अपनी गेंदबाजी के ऊपर। उसके बाद जो एमआई टीम की बल्लेबाजी की लाइनअप है उसको देखकर वो डरे नहीं, वहां पर कौन कौन थे, ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, निहाल वधेरा, यानी कि गिनते गिनते आपके हाथ दर्द कर जाएंगे, जुबान दर्द करने लगेगी लेकिन बैटिंग लाइनअप में इंटेंसिटी कम नहीं होगी। मगर उस बैटिंग लाइनअप के सामने वानखेड़े की बल्लेबाजी वाली पिच पर 170 रन डिफेंड करके दिखाना कि मतलब ये बताता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में भैया टैलेंट खास है। ये टीम इस बार कुछ नए जज्बे के साथ आई है, नए जुनून के साथ आई है और नया इतिहास रचने आई है। बात करें इस मुकाबले की स्कोर कार्ड की, तो पहले यहां पर बल्लेबाजी कोलकाता नाइट राइडर्स कर रही थी, तो आपको भी पता है कि वानखेड़े में अगर आप कि सेकेंड बल्लेबाजी है तो आप मुकाबला लगभग 90% वैसे ही जीत जाते हैं, 10% हाँ कभी ऊपर नीचे हुआ तो हार जाते हैं, लेकिन आज वो भी काम नहीं आया। हार्दिक पांड्या वाली एमआई को केकेआर ने मात्र 169 रन बनाए, 170 रन मात्र चाहिए थे, जो कि आराम से ड्रेसिंग रूम में यही चर्चा होगी कि आराम से खेलेंगे मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन कहते हैं आराम हराम होता है और वैसा ही कुछ हुआ। जब एमआई चेंज में आई तो ईशान किशन 13 रन, रोहित 11, नमनधीर 11, बस सूर्य कुमार यादव ने एक छाप छोड़ा जिन्होंने 56 बनाया, टिम डेविड ने 24 रनों का योगदान दिया और पूरी तरीके से विफल रही मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी। 4 विकेट मिचेल स्टार्क निकाले, 2 विकेट चक्रवर्ती ने, 2 नरेन ने और 2 रसेल ने, तो सभी गेंदबाजों ने दायित्व निभाया। आज हर्षित राणा भी नहीं थे जो कि केकेआर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन इस संस्करण के गेंदबाज रहे, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केकेआर ने इस मुकाबले में
जीत दर्ज करके दिखाया है तू आईपीएल 2024 में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा यानी कि टाइटल अपने नाम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर आ जाना चाहिए कि क्या आईपीएल 2024 के क्या अपने का नाम कर सकती या नहीं करेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।